The function fx is equal to greatest integer function of x square minus greatest integer function of x square, where this y represent greatest integer less than or equal to y, is a discontinuous at. तो हम देखते हैं, हमें सब इंटीजर्स की बात करिए, तो लेट्स मैं बोलता हूँ कि x क्या है, x is an integer, ठीक है. Now, तो अब सबसे पहले अगर मैं f of x निकालता हूँ, हमें पता है जिसमें x क्या है, integer है, तो simply greatest integer function of x क्या हो जाएगा, का whole square minus greatest integer function of x square. तो अगर ये integer है ना, तो इसका integer function यही होगा, और इसके square का integer function भी वही होगा, तो simply value हो जाएगी x square minus x square is equal to 0. Means अगर x हमारा क्या हो, integer होगा, तो f of x हमेशा 0 होगा, ठीक है. अब देखते हैं f of x plus, तो f of x plus में हम क्या करेंगे, x plus h हो जाएगा ये, तो simply क्या जाएगा, limit h tends to 0, limit h tends to 0, जो greatest integer function of x plus h का whole square minus greatest integer function of x plus h का whole square, ठीक है. Means इसमें क्या कर रहे हैं, हम greatest integer function of x plus h पे whole square लगा रहे हैं, और इसमें x plus h के whole square का greatest integer function ले रहे हैं. तो अब difference क्या आएगा, see x plus h का greatest integer function क्या जाएगा, x हो जाएगा again, तो simply x square, है ना. अब x plus h का whole square, तो हमें पता है जब x plus h का मैं whole square लिखूंगा तो क्या आएगा, x square plus 2hx plus h square. तो हमें ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा. सी अगर मैं उसमें वैल्यू कुछ ऐड कर दूंगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये क्या है, ये वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली टेंस टू जीरो जाएगी, बिकॉज h टेंस टू जीरो है यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या होगी, indirectly x square के equal ही होगी, तो minus हो जाएगा x square is equal to 0. यहाँ पे अगर मैं f of x minus निकालूंगा, तो f of x minus क्या हो जाएगा, limit अभी भी h tends to 0 ही रहेगी, लेकिन अब की बार क्या हो जाएगा, f x minus h हो जाएगा, तो ये greatest integer function of x minus h, और इसका whole square minus में greatest integer function of x minus h का whole square. अगेन हम ध्यान से देखेंगे, तो x minus h means x में से हम value कम कर रहे हैं, तो उसका greatest integer function क्या होता है, x minus 1, तो ये हो जाएगा x minus 1 का whole square, ठीक है. अब ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे x minus h का whole square means हो जाएगा x square minus 2hx plus h square, तो अगेन हम देखेंगे इनका sum करेंगे, minus 2hx plus h square, तो ये value क्या हो जाएगी, less than 0 हो जाएगी, तो means ये x square से थोड़ी सी छोटी value हो जाएगी, है ना. और उसका अगर मैं greatest integer function लूंगा तो क्या जाएगा, x square minus 1 हो जाएगा, जैसे का minus of x square, और माइनस ऑफ माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1. सिंपलीफाई करते हैं, वैल्यू क्या जाती है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्या जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, तो वैल्यू क्या जाएगी, माइनस x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना. और बचेगा क्या हमारे पास में, यहां पे हमारे पास में बच जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2. ओके, तो अगेन अगर हम देखेंगे तो हमारा जो f of x माइनस है ये क्या हो सकता है, ये इक्वल टू जीरो होगा ओनली एंड ओनली व्हेन x की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल टू 1 हो जाए. तो एट x इज इक्वल टू 1 अगर मैं ध्यान से देखूं तो एट x इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 1 f of x माइनस इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू f of x प्लस, सब क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा. मींस हम बोल सकते हैं एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 fx is continuous. तो केवल एक यही पॉइंट है जिसके ऊपर हमारा क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा. हमने यहाँ पे क्लियर कट देखा, ठीक है. तो इसके अलावा और किसी पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा है. तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, हमारे द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट 0. तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 1, जो लास्ट ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन D, all integers except 1.